हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाना। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही झटपट। यहाँ पर आज लेकर आए हैं कुछ फिश, यानी कि पापलेट लेकर आए। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसे पहले तुरंत कैरी बैग में से निकाले, इसे अच्छी तरीके से मैंने पहले धो कर ले ली हूँ, क्योंकि जब हम मार्केट से लेकर आते हैं फिश वगैरह तो उसे अच्छी तरीके से पानी से धो लेना है। उसमें थोड़ा सा नमक डालकर फिर वॉश करना है। इसमें पहले मैं मसाला रेडी कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली, ज़्यादा तीखा नहीं है इसलिए मैंने 3 बड़े चम्मच लिए। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, और एकदम 1/4 चम्मच के करीब यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसे मिक्स करने के लिए हम थोड़ा से पानी का यूज़ करेंगे, एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस हल्का से पानी डाल लेना है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है परफेक्टली। तो यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट पाउडर भी आप फिश में डायरेक्ट मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने आज थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट ट्राई करी हूँ। यहाँ पर थोड़ा मिक्स कर लिए पानी के अंदर, इसके अंदर मैं फ़िश के ऊपर लगा लेती हूँ। जब कभी भी आप फ़िश बनाओ, फ्राई करो, तो उसको आप जब मसाला लगाते हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसे इसी तरीके से लगा कर रखिएगा। उसके बाद में ही आप इसे फ्राई करिएगा तो बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैंने मसाला मिक्स करते हुए थोड़ा से मैंने 1/2 नींबू का जूस भी ऐड करी हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। यहाँ पर देखिए, टोटल 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए जो हमारी फ़िश है मसाले में अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। लेकिन हम फ्राई करने के पहले एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम तवे पर फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, मैंने उसके बाद में ये फ़िश इसमें ऐड किए हैं। यहाँ पर हम इसे स्टार्टिंग के 1/2 मिनट फास्ट फ्लेम पर करेंगे, उसके बाद में स्लो फ्लेम पर। पहले स्टार्टिंग में एक साइड से हो जाए, उसके बाद में इसे टर्न करके दूसरे साइड से पकाना है। तो ये देखिए, ये परफेक्टली हमने यहाँ पर फिशेस को ऐड कर दिए। तो मैं इसे टर्न कर लेती हूँ, एक साइड से हल्का हल्का हो चुका है, उसके बाद में मैं इसे टर्न कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और जो घर पर चीज़ें अवेलेबल होती है बस उन्हीं चीज़ों का यूज़ करके यहाँ पर बनाया है ये फ़िश फ्राई। तो आप भी इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस तरीके की पापलेट फ़िश फ्राई बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। ये खासतर दाल चावल के साथ में हमको पसंद है। आप किस के साथ इसे खाते हैं, यानी कि चपाती के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, चावल की रोटी के साथ, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।